नमस्कार मुस्मिता स्वागत करुच्ची स्मिता ओडिया को आज रेसीपी गोटे थाली रेसीपी भेज स्पेशल थाली आगक आसुच्छे दशहरा तासंग को दिवाली आसुच्छे तो ये पूजा पर्व मन करे ये थाली को आपन घरे निश्चय ट्राए करेंगे ये थाली पे मुझे 40 मिनट समय नेबी और 40 मिनट भितर ये थाली को आम रेडी करके रखा ये थाली जेहेतु आम 40 मिनट समय नौ तो आमको जल्दी रोसे करा पड़ो ता सहित आमको दुईपट जाक गैस को भल भाव यूज करने पड़ो मुझे गोटे पटे प्यान बसई नहीं प्यान में मुझे रिफाइन तेल नाला आड करवा आम एवं भेंडी भेंडी को स्लाइटली भाजी ना पूरा भाजबाने लुण पकई हाफ चामच लुण आप लुण स्वाद अनुसार आड करेंगे स्लाइटली भाजला भेंडी को ये बाहर कर ना भेंडी बाहर कर नाला मुझे सेम पैन रे आड करी अल्प किसी अदा आ रसुण जहाँकि छेचिकी रखी आपड़ चाहिए छोट छोट खंड में काटिक भी नहीं पारे टिके भाजी ना ए अल्प टिके भाजी आसलानी एड करदे पिज पिज मु गोटे नहीं बड़ पिज गोटे नहीं जोटा कि बहुत ही पतला कि मुझे काटि नहीं आम बनाऊँच भेंडी दो पिज भेंडी दो पिज आमको पतला वाला ही दरकार दुईटा जाक गैस यूज कर दुईपट जाक चूला मुझे आगु भी कही तो ये मुझे पनीर पर मसला बनई नेबी आड करदे पिज सेपटे आम भेंडी को भी देखुवा एपटे पनीर मसला भी बनई ना देखो पिज गोल्डन ब्राउन हो गलाड करदे स्लाइटली भाजिक रखी भेंडी भेंडी में लुण पकई तो से आउ लुण आड करूनी ये खाली लंका गुंड धनिया गुंड हल्दी गुंड आड करी आपन जदि लुण न पकई थे तो ये लुण आड करने सब गुड़ाक भल भाव टी मिसी ना आड करदे चाट मसला चाट मसला टी ऑप्शनल अच्छी आप चाहिए आड करें ना स्किप करें घोड़े ना एपटे देखते पनीर पर आम जो मसला बनाऊे से पिज भाजी आसलानी ये मुझ आड कल गोटे चमच अदा पिज रसुण पेस्ट आउ थे अदा पिज रसुण पेस्ट ये आड कर सहित आड करदे टमाटो टी लुण पकईली टमाटोटा नरम होगुड़ाक भी भल भाव भाजी ना मसला आम भाजी आसलानी एका टाइम आम दुईटा जाक रेसीपी बनई पार आर पटे मुझे भेंडी बसई एपटे मुझे पनीर पर मसला बनाऊँ ता सहित आड कर 8-10 टी काजू देखु पनीर पर मसला आम भाजी होगी एम को बाहर कर ना ये मुझे नहीं जारे ब्लेंडिंग जारे नहीं पालंग जेहेतु मुझे पालंग पनीर बनाऊँ पालंग को भल भाव धोके काटिके ब्लेंडिंग जारे रखी नहीं थी ये मसलाटा को तादरे दे दिली एबे मुझे थंडा करनेबी तापर मुझे ग्राइंड करी एपट देखी दिखाँ भेंडी दो पिज भी आम रेडी आसलानी ये मतलब के 5-7 मिनट भाया लगी जोटा कि मुझे पिज और भेंडी को छाड़ी थी रेडी एक आम बाहर कर ना एपटे कड़ई में मुझे कड़ई गरम हो बस नहीं कड़ई में एड करदे अल्प टिके तेल बैगन फ्राए कर तेल नहीं गरम करने रखीदी एपटे बैगन को गोल ना बैगन में मिसीचे बेसन आउ अल्प टिके राशि लुण हलदी आउ लंका गुंड भी भल भाव मिसई ना जदि पा दरकार हुए तो टिके पा दबा ना खाली एमती मिसई ना देखते मुझ बैगन को भल भाव मिसई नी एवं जाए तेल छाणी ना तेल गरम हो लो टू मीडियम फ्लेम ही रखीदेली बैगन आम दुईपट जाक गोल्डन ब्राउन हो आसलानी आउ एबे आमे को बाहर कर ना जेहेतु मते बहुत ही कम टाइम रे पूरा थाली तैयार करिपर अछि तो बहुत स्पीड रे ही बनेबा ए सेम कड़े रे आमे छाणी ना कलरा चिप्स पे मते कलरा काटिक धोईक रखी नहीं से मुझे आड कली बेसन बेसन मुझे 2-3 चमच से मुझे आड करी चाउल गुंड 2 चमच आ कॉर्नफ्लोर 2 चमच लुण हलदी आप स्वाद अनुसार देवे आदि चाहिए लंका गुंड आड करते सहित खाली मुझे एक्सट्रा आड कर रसुण जोटा कि 2-3 पाखुड़ा रसुण छेचिक नहीं सब गुड़ाक भल भाव मिसई दे बिना पानी रे ही सब गुड़ा भल भाव मिसई ना
एबे चलंतु गोटे गोटे करके कलरा चिप्स गुड़ा छाणी नबा जेते बेले मो बैगन फ्राई करिया पे पकाई थिली सेते बेले ही मो कलरा गुड़ा को गोळे नै थिली जेतु टाइम बहुत कम अछि हमको 40 मिनट्स भीतर ही सब कुछ बनेबार अछि तो बैगन छानला टाइम तक मो कलरा गोळे नै थिली देखो ये कलरा चिप्स अलरेडी हो आसला को बाहर कर ना आउ बाकी तक कलरा जितक अच्छे छाणी नबा सब कलरा जाक मुझे छाणी नी आकी अच्छे पापड़ यही कड़े तेल रे पापड़ भी छाणी नबा पापड़ छाण ने ले डाली बनवा डाली बनवाप मुझे प्रेसर कुकर बसई प्रेसर कुकर एड करवा डाली डाली मुझे नहीं गोटे कप डाली जोटा कि मुझे अधघंटे 45 मिनट आगुरी डाली को भिजे नहीं थी जल्दी हम से मुझे डाली को भिजे नहीं थी डाली एड करदेली डाली आम खाली एड कर लुण हलदी आउ टमाटो टमाटो मुझे गोटे फल टमाटो नहीं सहित स्वाद अनुसार लुण आ हलदी लुण हलदी देदेली एबे खाली आड करबा अल्प टिके तेल जेतु आमे लुण आ हलदी दुईटा जक पकाई चंदी विशेष करे हल्दी पकाई चंदी तो जेते बले सिटी हबो तो पानी बाहर को आसीबो प्रेशर कुकर भी खराब हबो आमे गैस रे भी पड़ी जबो सेति पई खाली अल्प टिके तेल देदेली आ मडी गैस ऑन करनेली एबे बंद कर देबा आमरो प्रेशर कुकर ढांकुडी को ताकु दुईटा सिटी देबा पजंत छाडी देबा मीडियम रे दुईटा सिटी देबा पजंत छाडी देबा दुईटा सीट हो गलानी डाली को थंडा हाँपे रखी ना एपटे आम बनवा पनीर पनीर पर मुझे आड कली अल्प टिके रिफाइन तेल लंका गुंड हल्दी गुंड और धनिया गुंड लंका गुंड हल्दी गुंड धनिया गुंड टिके स्लाइटली भाजी ना एवं आड करदे पालक जो मसलाटा आम बनई रखी जिते मुझ पनीर मसला बनई से पालंग सहित बाहर कर नहीं थी ग्राइंड करने तो ग्राइंड कलापर मुझे यहाँ देखा पालंग पनीर बनवा आम से मुझे पालंग को ग्राइंड कलापर ये पकाचे आड कली अल्प टिके लुण लुण स्वाद अनुसार ने चीनी मुझे हाफ चामच नहीं चीनी भी नहीं पारती ना स्कीप भी करपारती कि पालंग पनीर स्लाइटली चीनी दे तार टेस्टा टी अधिक भल लगे तो मुड कर दही दही जगह आपड़ चाहिए मलई भी नहीं पारे ना फ्रेश क्रीम थी नहीं पारे एबे ऐड कर देबा पनीर पनीर मो भाजिनी कंचा पनीर ही नहीं जे पनीर को एबे पालंग सहित अल्प टिके मिसे नबा जेमती पालंग रो फ्लेवर टा पनीर भितर पसिजिबो दे देबा आमे आधा कप रु भी कम पानी एबे ताको चारि पटर गोळी नेके घोडै देबा 2 रो 3 मिनिट पर्यंत जेमती भलो भाबरे फुटिजिबो देखंतो फुटिला पर पालंग रो कलर केते बढ़िया पळे आछि आ पनीर रो भी बहुत भलो टेक्सचर आ कलर आछि स्मेल भी बहुत ही बढ़िया होछि हमर पालंग पनीर रेडी हो गेला एबे आमे फुटे नबा डाली डाली मो प्रेशर कुकर रु बंद करके सेपटे रखी नहीं थी जहाँकि थंडा हो जाइए ये मुझे आड कली रिफाइन तेल तासी तो फुटण गोटे सुखिला लंका और पियाज आउ अल्प टिके कसूरी मेथी पत्र तो ऑप्शनल आप चाहिए आड करें ना स्किप करें कि कसूरी मेथर पत्र जब आड कर बहुत ही भल टेस्ट आसे डाली आड करदे अल्प टिके धनिया पत्र डाली भी रेडी होगा आकी रही आम खाली पलाऊ चलतु पलाऊ भी फटाफट बनई ना पलाऊ मुझे बसई प्रेसर कुकर तादर मुझे आड कली घी पलाऊ बनाऊँ तो घी आड करी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आसो और टेस्ट भी बहुत भल लगे जहाँ भी आपरे ड्राई फ्रुट्स अच्छे जहाँ भी आपरे गरम मसला जमीक डालचीनी आ लवंग अलैच जहाँ भी अच्छे आपड़ ये आड करें मुझे बेस किसी आड करनी खाली अल्प काजु आउ किसमिश आड करेजपत और अलैच डालचीनी आड कर
अल्प टिके गाजर आउ बीट ऐड करछि। गाजर बीट जगह आपण चाहिले ता सहित मिसे कि अल्प किछि मटर, ग्रीन मटर, फुलकोबी जहाँ भी हेले ऐड करि परिबे। बीन्स छोटो काटिके दे देबा। आमे टिके अल्प चीनी भाजि नबा। बे सब गुडा को जेमति चीनी मेल्ट हे जाय सेमिति टिके भाजि नबा 2-3 मिनिट पर्यंत। मझे मझे गोले गोले के देखुथे जमी लग न जाए और गैस को मीडियम रे रखिबे। ऑलमोस्ट भाजी है इसलिए एबे हम ऐड कर देबा चावल। चावल मु आगुरु धोई के रखी थी, आगुरु माने 2-3 मिनट आगुरु मु चावल को धोई दे के रखी थी। एबे चावल को मध्ये ता सहित पके के अल्प टिके भाजी नबा जमी 5 मिनट भलिया। देखो तो चावल भी भाजी है सिलानी। ये बताइए तो बाप पानी पानी मुझे दे ची एक ग्लास रे गोटे ग्लास आउ हाफ ग्लास। एक ग्लास रे मुझे नहीं थी चावल गोटे ग्लास से थे पहले मो पानी दे ची गोटे ग्लास आउ अधा ग्लास। अपन जत्ती की चावल ने बे तारो सत्ती की पानी ताठु आउ अधा पानी जिम्ती की मो गोटे को ग्लास चावल नहीं ची से थे डेढ़ ग्लास पानी दे ची। एबे गैस आम बंद करदे प्रेसर कुकर को और गैस को हाई रे रखिके गोटे सीटी देदेव तो आम पलो बिल्कुल पूरा रेडी। मुझेपर आपको देखा देखते रेडीगला पलो बिल्कुल भी लगुन जो आम यहाँ प्रेसर कुकर बनई चिपचिपा भी ना पूरा झुरझुरी हिं बनी चलत। थाली प्रिपेयर करवा थाली डाली तापर दे भेंडी दो पिजा एवं देदेव पनीर पालंग मुझे ऐड करदे दही जस्ट गार्निश पाई पलाऊ दे दीची अल्प सालाड कलरा चिप्स बैगन भजा आउ पापड़ रेडी हो गला। स्पेशल भेज थाली घर निश्चय।